जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हमने लास्ट वीडियो में कॉम्बी बॉयलर के मुताबिक पढ़ा था, उसमें सिंगल रेडिएटर का इस्तेमाल किया था मैंने आपको समझाने के लिए। तो आज हम एक से ज्यादा यानी फोर रेडिएटर यूज करते हैं, आप सिक्स लगा सकते हैं, एट लगा सकते हैं रूम्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट उसकी वायरिंग होती है थर्मोस्टेट्स की, जो कि रूम थर्मोस्टेट होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उसके मैं कनेक्शन आपको बताऊंगा। सो यूर्स, लेट्स गो। ये पाइपिंग मैंने आपको समझा दी थी, अब आप देखें, पहले मैंने बताया था आपको सिंगल जो था रेडिएटर, आज हम फोर रेडिएटर्स का कनेक्शन करते हैं। तो पाइप वही है, एक फ्लो है, एक रिटर्न है। फ्लो से हॉट वाटर जा रहा है और रिटर्न से वापस आएगा। तो ये देखें, ये फ्लो है, फ्लो को हम इस तरह लेके जाएंगे, इसी तरह फ्लो आपने इसके इधर लगा लें, यहां से फ्लो आपने उसके सब फ्लो के कनेक्शन में आपने पाइप को लगा देना। ये पैरेलल सिस्टम है, पैरेलल में लगा रहे हैं। इसी तरह जो रिटर्न होगा इसका, रिटर्न भी आपस में मिला देंगे आप, इसका रिटर्न इसके साथ और ये रिटर्न ये आ रही। ये चारों रेडिएटर हमने जो पैरेलल में लगाए हैं उसमें ये है कि फ्लो से हॉट वाटर जाएगा हीटिंग के लिए, वो सब रेडिएटर में से होके रिटर्न से वापस आ जाएगा। अगर एक रेडिएटर में कोई ब्लॉकेज आ गई है, तो प्रॉब्लम है, तो बाकी रेडिएटर काम करते रहेंगे फ्लो में, ये बेस्ट। कई जगह लोग सिंगल पाइप से वायरिंग करते हैं, वो सीरीज में लगा देते हैं। तो सीरीज में क्या होता है, काम तो चलता है, लेकिन अगर सीरीज में आपने तीन चार पांच छह रेडिएटर लगाए हुए हैं और अगर किसी एक में ब्लॉकेज आ गई, तो वो फिर आगे उसका हीटिंग का हॉट वाटर नहीं जाता और उसका हीटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेस्ट वे है कि आप इसको पैरेलल में ही लगाएं। पैरेलल आप समझते हैं कि जैसे ये दो पाइप हैं, ये चीज ये पैरेलल हो जाएगा। ये देखें, एक तरह से फ्लो जा रहा है, एक तरह से रिटर्न है। तो फ्लो इधर से मिलता रहेगा, रिटर्न वापस आता रहेगा। अगर किसी में ब्लॉकेज हो गई है तो वो दूसरे रेडिएटर काम करते रहेंगे। ओके, सो उसके बाद हम लोग अभी जो इसके, ये तो मैंने आपको बताया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसके थर्मोस्टेट के बारे में।
ओके, थर्मोस्टेट आप रूम का जो टेम्परेचर है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग मैं आपको एक्सपीरियंसली करना चाहता हूं कि कई लोग उसमें थोड़ी मिस्टेक कर जाते हैं तो थर्मोस्टेट सही काम नहीं करेगा, तो वो हीटिंग या तो बिल्कुल नहीं वो काम करेगा फंक्शन या बिल्कुल कंटिन्यू चलता रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको थर्मोस्टेट में दो किस्म के थर्मोस्टेट हैं, एक दो कनेक्शन वाला थर्मोस्टेट होता है, एक तीन कनेक्शन वाला होता है। तो मैं तीनों के आपको कनेक्शन करके दिखाता हूं। ये देखें, ये जो सॉकेट है ये एक्चुअली ये दोनों सॉकेटें ये बॉयलर के अंदर लगी होती है, ये बॉयलर का पॉइंट है, ये सॉकेटें बॉयलर का कनेक्शन है, ये बॉयलर का कनेक्शन है, ये थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट के कनेक्शन है, ये भी थर्मोस्टेट के कनेक्शन है, ये आपका 3-पिन प्लग है जिसको हम स्पर भी कहते हैं, ये 3 एम्पेयर फ्यूज वाला होता है स्पर, ये आपने यूज करना है। तो मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूं। ये जो आपका स्पर है ये मेन सॉकेट से मेन आ रही है, एक्चुअली बॉयलर में से आपने देखा होगा कि दो वायरें निकल रही होती हैं, इसमें एक दो, एक जरा बारीक वायर होती है एक मोटी वायर होती है, मोटी वायर जो होती है वो मेन सॉकेट के लिए जा रही होती है, पतली वाली जो वायर होती है वो थर्मोस्टेट के लिए कनेक्शन किया होता है। दोनों थ्री कोर वायरें होती हैं, तो उनका कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूं। ये बॉयलर का कनेक्शन हो गया, इसमें 4 पॉइंट होते हैं, 1, 2, 3, 4, ओके, एक पर लिखा होता है SL LNE, SL को हम कहते हैं स्विचिंग लाइव, L लाइव न्यूट्रल और अर्थ, इसी तरह ये भी देखें स्विचिंग लाइव, लाइव न्यूट्रल और अर्थ, जो दो पॉइंट वाला होगा उसमें लिखा होगा SL और L, इसमें जो 3 पॉइंट है उसमें SL, L और न्यूट्रल। तो हम पहले कनेक्शन करते हैं 2 पॉइंट का, ये आपका मेन स्विच है, ये इसका अर्थ है, ठीक है, ये आपने अर्थ इसका ये बॉयलर को इधर डायरेक्ट इतार दे दिया, ओके। उसके बाद ये आपका ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल आपने न्यूट्रल को दे दिया, इसी तरह लाइव आपने ये प्लग, ये सॉकेट की कनेक्शन आपने किए लाइव न्यूट्रल और अर्थ ऊपर वाली पिन को आपने दे, ओके। अब थर्मोस्टेट की जो दो पिने हैं और इसकी जो पिने हैं आपने कैसे मिलानी, तो ये स्विचिंग लाइव को आपने स्विचिंग लाइव के साथ मिला देना, लाइव को आपने लाइव के साथ मिला देना, दैट्स ऑल, ये 2 पिन के कनेक्शन है, SL को SL के साथ, स्विचिंग लाइव को स्विचिंग लाइव के साथ, L लाइव टू लाइव, ये अंदर का स्विच है, वो टेम्परेचर के हिसाब से ऑन ऑफ होता रहेगा, तो ये लाइव स्विचिंग लाइव को मिलती रहेगी, ओके। न्यूट्रल जो है वो आपने सॉकेट को दे देना, स्पर को दे देना, अर्थ अर्थ को दे देना, ये हो गया उसका लूप। अब तीन वाले में हम आते हैं, ये 3 पॉइंट का कनेक्शन, इसमें आप उसी तरह ये जो इसकी अर्थ की तार है, अर्थ की तार आपने अर्थ को दे दी, न्यूट्रल आपने न्यूट्रल को दे दी, लाइव आपने ये आपने मेन सॉकेट के कनेक्शन किए, यहां से 3 वायरें होती हैं, अर्थ न्यूट्रल और लाइव। अब इसके जो कनेक्शन है स्विचिंग लाइव, लाइव एंड न्यूट्रल,
स्विचिंग लाइफ को स्विचिंग लाइफ के साथ आपने मिला देना, लाइफ को आपने लाइफ के साथ मिला देना, न्यूट्रल को आपने न्यूट्रल के साथ मिला देना। इतना इजी। ये आपने जेन मशीन कर लेने, इसको आपने रिमेम्बर रखना अब ओके। इसमें आपने गलती नहीं करनी, इस हिसाब से आप कनेक्शन करेंगे तो दैट्स ऑल। सिंगल जो था रेडिएटर उसके मैंने आपको पाइपिंग बताई, फिर फोर की बताई, वो उसी तरीके से पैरेलल में आप जो है वो सिक्स रेडिएटर लगा लें, सेवन लगा लें, जितने भी रूम है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। ये वायरिंग थर्मोस्टेट की वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कॉम्बी बॉयलर के अंदर क्या फंक्शन चल रहा होता है। उसमें प्राइमरी हीट एक्सचेंजर होता है, फिर सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर है, पंप होता है, तो वो किस तरह फंक्शन कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड उसको सिग्नल दे रहा होता है, तो वो सारा मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह डायग्राम बना के तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हॉट वाटर आ रहा होता है और हीटिंग के लिए हॉट वाटर कैसे आ रहा होता है, तो वो सारा सर्किट आपको बताऊंगा कि किस तरह वो मेन बोर्ड भी फंक्शन कर रहा होता है, कि जब हॉट वाटर किस वक्त चाहिए वो उस वक्त मिलता है कॉम्बी से, और हीटिंग का जो है वो भी मैं सारा आपको अंदर का इंपॉर्टेंट चीजें जो अंदर की हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको ये लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी इसमें। सो वी विल सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। सो टेक केयर व्यूज, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ऑल पर, और अपने दोस्तों को भी जो सीखना चाहते हैं इसके बॉयलर के बारे में, और इसके बाद कंटिन्यू रहेगा बॉयलर और जितना भी है सीसीटीवी कैमराज और हीटिंग सिस्टम के अलावा जितना आपका रेफ्रिजरेशन का है वो भी मैं आज सब बताऊंगा, तो आप इसके लिए सब्सक्राइब करें और आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। सो टेक केयर, आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।